मैं समझूंगा। हेलो, मेरा नाम रमिया है सर। मैं LIC ऑफिस से बात कर रही हूँ। हमारे पास एक नई स्कीम आई है सर। 5 महीनों में अगर आपको कुछ हो गया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अरे 5 महीने में नहीं, 5 मिनट में कुछ मिलने वाला है तो बताओ। ऐसा कोई ऑफर नहीं है सर। मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर दे रहा हूँ, लिख लो। क्या है सर? अकाउंट नंबर है 4348464 72, पासवर्ड 49143, एक्सिस बैंक अकाउंट। सर अकाउंट में 5 लाख रुपए होंगे, ये पूरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। सर फिर से वापस फोन मत करना और वो जॉब भी मत करना। थैंक यू सर। क्या सोच रही हो? आफ्टर ऑल एक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में 5 लाख रुपए कहां से आ गए? आई एम नॉट अ ड्राइवर। रूप सुहाना लगता है, चंद पुराना लगता है तेरे। और मेरे हीरो, क्या हाल चाल है तेरे? अबे तू बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? देख यार, तेरा बाप ना तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहा है। तो देखने दे, उनकी ड्यूटी है। तेरा मतलब ये है कि वो जहाँ बोलेंगे तू वहाँ पर शादी कर लेगा? वो दिखाएंगे, हम देखेंगे, ये अपनी ड्यूटी। तूने बोला था तू प्यार करेगा फिर शादी करेगा। देख यार, प्यार करने से बेटर है पहले शादी कर ले, उसके बाद प्यार कर। खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ धोना होता है ना, दोनों करता है ना, बकवास आइडिया मत दे। तेरे को बकवास लगा? होता है बोलकर सुना था, और प्यार को जीतने के लिए कितनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं। लव एट फर्स्ट साइट। एक लड़की को देखने के बाद पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने का फैसला किया था मैंने। तुम्हारे बारे में भी यही हुआ। पर प्यार कुछ ही देर मेरे साथ रहा। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो और मैं इस टैक्सी की टेंपरेरी ओनर हूँ। हम दोनों के बीच बस यही रिलेशन है, वो भी 4 घंटे की जर्नी के लिए। दूर से तुम इतनी खूबसूरत लगी, फिर पास आने के बाद और भी पसरा गई तुम। माय पेरेंट्स, वही मेरे लिए भगवान है। अरे हाथ जोड़कर दर्शन कर लेंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना। उसके विश्वास के लिए अपने विश्वास को साइड में रखकर भगवान के दर्शन कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्राइवर संतोष। इस अट्रैक्शन की वजह से लव नहीं हुआ है, ट्रू लव हुआ है। इसलिए तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, टैक्सी ड्राइवर बनके इस प्यार को पूरी तरह अंजाम देकर तुम्हें हमेशा के लिए अपनाने का सपना सच करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जर्नी करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं होगा क्योंकि अब भगवान भी नहीं चाह रहा है। I love you and I miss you. मैंने भी ऐसे ही सोचा। देख लीजिए, ये पेड़, ये चट्टाने, इन सब ने मुझे बचा लिया। इसलिए लोग कहते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ऐसे सुना था। मेरी भी शादी वहीं फिक्स हुई है सोचा था।
लेकिन इधर धरती पर हो गया ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव दिस। ए ध्यान से कहीं गिर ना जाओ। अरे इतना हैप्पी मोमेंट को एंजॉय तो करने दो। दुनिया को उल्टा देखो तो कितनी अच्छी दिखती है। ये बात मैं अभी समझाऊं मैडम। ए पागल हो क्या? सीधे तो हो जाओ। पहले मुझे आई लव यू बोलो तभी सीधा होऊंगा। अभी? हाँ हाँ अभी। मैं नहीं बोलूंगी। नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। आई लव यू प्लीज प्लीज स्टॉप। बोलो कि तुम मुझसे शादी करोगी। मर जाऊंगी पर नहीं बोलूंगी। जब तक नहीं बोलोगी इसी तरह लटकता रहूंगा फिर मर जाऊंगा। सोच लो। तो लटके रहो तुम्हारी मर्जी। मैं गिर रहा हूँ। अगर गिर गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। गिर जाओ।